हेलो, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम जाने वाले हैं नांदवेल। तो गाइस, हम जा रहे हैं हमारे गांव नांदवेल। हमने थोड़ा सा आगे से व्लॉग स्टार्ट किया है, आप देख सकते हो। और जो गाइस, ये जो हम हाईवे पे चल रहे हैं, ये जो यहाँ का जो ये इंटरनेशनल हाईवे है, आगे जाएंगे तो ये देखिए बोर्ड, इस पे चित्तौड़गढ़ 97 किलोमीटर लिखा हुआ है और मावली 35 किलोमीटर लिखा हुआ है। तो बस ये डबोक चौराहा आ चुका है। अब डबोक चौराहा जो है वो ये हाईवे जा रहा सीधा, ये ओवर ब्रिज बना हुआ है, हम ओवर ब्रिज के नीचे से जाएंगे। टर्न ले लिया हमने। चुके हैं ये ओवर ब्रिज, देखिए ये जो सीधे चित्तौड़ जाने वाले हैं या और आगे जाने वाले हैं वो इस ओवर ब्रिज से ऊपर से जाते हैं और डबोक जो चौराहा है वो नीचे रह जाता है इसके। और मावली वगैरह जो जाने वाले होते हैं या आसपास के गांव में जाने वाले होते हैं वो नीचे से जाते हैं। और अब आने वाला है डबोक चौराहा, जो मेन मार्केट है वो। तो भाई चलते हैं, अब मेन मार्केट में तो हम आ चुके हैं, आप देख सकते हो। चलो भाई, फिर करेंगे मजे ऐसी, फिर हम आपको देंगे हमारे गांव का टूर भी, तो उसमें भी हमें काफी मजा आएगा। चलते हैं अभी। जो हम कह रहे थे ब्रिज के नीचे से जाएंगे वो आप वहां पर देख तो सकते हैं। तो दोस्तों, ये सर्कल आ चुका है डबोक चौराहे का। आप जो लोग मावली होके जाना चाहे उनके लिए भी दिल्ली वाला रोड है इधर और चित्तौड़ वाला भी है। और ये ओवर ब्रिज देखिए कितना मस्त प्यारा लग रहा है यहाँ पे भाई, आप देख सकते हो कितना मस्त है। तो अपन आगे से लेंगे क्या? अपन आगे से लेंगे, छोटे वाले अंडर ब्रिज से लेंगे। अब यहाँ से हमें रोंग साइड, थोड़ा सा रोंग साइड चलना पड़ेगा। हमने डबोक चौराहा क्रॉस कर लिया है और अब जो ये टर्न देख रहे हो ये सीधा नांदवेल और उसके आगे वाले गांव में जाता है। तो अब हमें यही घूम गए फाइनल टर्न में। नांदवेल ये हम हाईवे से सिंगल रोड पे आ चुके हैं। अब ये सिंगल रोड 4 किलोमीटर लगभग का है, वो सीधा जाता है नांदवेल। तो 1 किलोमीटर लगभग तो हम आ चुके हैं, अब 3 किलोमीटर और है, बस थोड़ी सी देर में नांदवेल गांव है वो आने वाला है। हम आपको आगे एयरपोर्ट की जो बाउंड्री है जो हमारे गांव के सीधा टच में है वो भी बताएंगे आगे। यहाँ का उदयपुर का मारना पड़ता है एयरपोर्ट। ये देखो आसपास में ये बस्ती, एक छोटी बस्ती आई है, ये डबोक के एरिया में ही आती है। ये देखिए ऐसे नजारे हैं भाई साहब, वो जाली हमारे सर के ऊपर से निकली भाई, इसीलिए कह रहा भाई एयरपोर्ट हमारे पास में ही है। नांदवेल गांव के वहाँ पे तो ऐसे हजारों नेशनल इंटरनेशनल फ्लाइट है, दिन भर में घूमती रहती है। अब आपको बताने वाले एयरपोर्ट की बाउंड्री, तो भाई आने वाली है बाउंड्री। चलो चले चले चलो चले यार, लुक आप देख सकते हो। मेरे लेफ्ट साइड में आप देखोगे एयरपोर्ट की बाउंड्री है और हमें यहीं से टर्न करना है। अभी झाड़ियों की वजह से नजर नहीं आएगा आपको, इस तरफ को है, इस तरफ है हमारी बाउंड्री। आप वो देख सकते हो भाई, वहाँ पर बाउंड्री एयरपोर्ट की, तो हमें उधर तो नहीं जाना है अभी, हमारा काम नहीं है, हमें तो हमारा रोड यही है, आगे रोड बंद है, उधर से नहीं जा सकते।
यहाँ से व्यू देखो, अब ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर से देखो वो जो दरवाजा बना रखा हो वैसे पेड़ इधर वाले उधर वाले दोनों टच हो रहे हैं, और नीचे से पूरा देखो कितना शानदार व्यू नजर आ रहा है भाई। यहाँ पे ऐसा लगता है ना कि आप समझो कोई आप फॉरेस्ट में चले गए। चलो भाई तहसील का गांव है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में, और इसके जस्ट आगे बेड़स नदी, और बेड़स नदी को क्रॉस करते ही नांदेल गांव और नांदेश्वर महादेव जी का स्थान। भाई थ्री हम नदी का व्यू आपको बताएंगे आपको एंड वन। भाई साहब ये देख सकते हो बड़ी स्पीड में जा रही है, इधर देख सकते हो फुल भरा हुआ भी है, इधर भी भाई यहाँ से आप देखना व्यू देखना इतना मस्त नजर आएगा। अब पानी का व्यू देखना आप इधर साइड से देखो भाई क्या मस्त, बहुत ही गजब का व्यू नजर आ रहा है। यहाँ पर बहुत सारी मूवियों की शूटिंग हुई थी। तो पूरा डिटेल में हम आपको ये देखिए नांदेश्वर महादेव जी का बोर्ड देखो, जय नांदेश्वर महादेव जी की। और अब ये जो एग्रीकल्चर लैंड खत्म होते ही नांदेल का एरिया स्टार्ट हो चुका है, और छोटा सा गांव है, बड़ा प्यारा गांव है। तो इसकी हम पूरी डिटेलिंग आपको बाद में बताएंगे नेक्स्ट अगले वाले वीडियो में। तो भाई तो आज के वीडियो में तो बस यहीं पे हम खत्म कर देंगे, क्योंकि आगे थोड़ा सा गांव आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, फिर हम भी थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद में फिर हम कल बताएंगे पूरा। तो तब तक प्लीज आप हमारे वीडियो को लोग को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। भाई बुलेट मार के चल रहा है।